नमस्ते दोस्तों, दिवाली स्पेशल वीक में आप सबका स्वागत है। मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमने बहुत सारे नमकीन बनाए, क्यों ना आज कुछ मीठा बनाया जाए। वैसे आज धनतेरस है तो आज हम लापसी बनाएंगे। लापसी जो है गुजरात में खास तौर पर बनाई जाती है। शादी हो, नवचंडी हवन हो, गृह प्रवेश हो, चाहे जितने भी पकवान बने हो, लापसी तो बनाई ही जाती है गुजरात में। और शादी के फेरे हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन जो मंडप होता है शादी का, वहीं पे एक दूसरे को लापसी खिलाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इससे ज़िंदगी में नई मिठास रहती है और लापसी को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भी हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को लापसी का भोग लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब आप मेरी सारी हिंदी और इंग्लिश रेसिपीज़ मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। लापसी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। 1/4 कप गुड़, 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, घी और पिसी हुई चीनी। सबसे पहले हम पानी उबालेंगे। तो 2 कटोरी, इस कटोरी से मैंने आटा लिया है, 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी पानी होना चाहिए। इस तरह से पूरी कटोरी भरकर मैंने आटा लिया था तो पानी भी पूरी कटोरी भरकर ही डालना है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ 1/2 कप है, वैसे तो इसमें कम ही डाला जाता है गुड़, लेकिन मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बाद में चीनी उसमें कम डालनी पड़े। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। मैं अंदाज से डाल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ तो मुझे इसका अंदाज है। ये हमने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला। इसे हमें गुड़ पिघलने तक उबालना है। और जब तक ये उबलता है तब तक हम ये जो आटा है इसे तेल लगा लेंगे। ये ज़रूरी है, नहीं तो लापसी जो है चिपचिपी बन जाएगी। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप आटे को बिना तेल डाले ही उबले हुए पानी में डाल देंगे तो लापसी जो है एकदम चिपचिपी बन जाएगी, चूई बन जाएगी। पानी उबल चुका है, हम फ्लेम को लो कर देंगे और ये जो आटा हमने तेल लगा कर रखा था ये इसमें हम डालेंगे। डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हम गैस के ऊपर इस तरह से तवा रख देंगे और तवे के ऊपर ये लापसी वाला बर्तन रखेंगे। इसे ढककर हम धीमी आंच पर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, लापसी अभी पकने लगी है। इसे एक बार हम चला लेंगे इस तरह से। देखिए, ये जो है वो थोड़ी सी ड्राई लगने लगी है, इसका मतलब ये पकने लगी। जब हमने आटा डाला था तो ये चिपचिपी थी, अब ये ड्राई दिख रही है। इसे और 5 मिनट हम पकाएंगे। और मैंने इसे तवे पर इसलिए रखा ताकि ये जल ना जाए। तवे पर रखने से नीचे के तले में ये जल नहीं जाती है। और एकदम धीमी आंच पर पकाना है। इसे ढककर और 5 मिनट हम पकाएंगे।
5 मिनट हो चुके हैं और ये लापसी भी बन के तैयार है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तवे से हटा लेंगे ताकि और जल ना जाए। अब हम लापसी को सर्व करेंगे। इसमें हम घी डालेंगे। वैसे इसमें घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। घी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ना चर्बी बढ़ाता है। घी बहुत हेल्दी होता है, घुटनों के जोड़ों के दर्द से भी इससे छुटकारा मिलता है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप कम डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि गुड़ इसमें ज़्यादा डाला है तो गुड़ हेल्दी होता है। चीनी कम ही डालें। टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही शुभ शगुन वाली लापसी बनके तैयार है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।